सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एग्ज़ाम्स के अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन जीएस है कि वो पीछा नहीं छोड़ रही है। बहुत कोशिशों के बावजूद भी मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं स्टूडेंट्स के। रोज़ाना इस तरह के मेरे पास हज़ारों मैसेज बच्चों के आ रहे हैं कि सर जीके में कैसे स्कोर इंक्रीज़ करें, क्योंकि जीके की वजह से सिलेक्शन चला जाता है बच्चों का। सो अब सबको अलग अलग मैं अगर जवाब दूंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा, तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। और कम से कम ये टॉपिक ज़रूर कर लेना, अगर आप ये भी नहीं करेंगे अभी तो फिर हम जो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत ही कम से कम बता रहा हूँ, जो एग्ज़ाम का 50% पोर्शन कवर कर लेंगे। यस, 50% पोर्शन कवर कर लेंगे सिर्फ दो टॉपिक आपके, बस इतना सा काम करना है। सो देखते हैं कौन से दो टॉपिक है जो आपके 50% कवर कर देंगे, क्योंकि इनको अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज होने ही होने हैं, ये कंफर्म है। बहुत ज़्यादा के चक्कर में अब ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब आप लोग कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप लोग हाथ पर मारेंगे तो क्या होगा बच्चों, ज़्यादा के चक्कर में आप कम भी नहीं कर पाएंगे। यस, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा। यस, तो उसको भी फॉलो करें आप लोग इस समय कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसको फॉलो करना है और इसी पर वर्क करना है। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको फॉलो करने हैं, दो टॉपिक आप लोगों को फॉलो करने हैं, साइंस और स्टैटिक जीके। अब आप कहोगे सर स्टैटिक जीके तो एक टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। स्टैटिक जीके के भी बच्चों मैं आपको बता दूँ सिर्फ टॉपिक्स, हालांकि स्टैटिक जीके इतना बड़ा पोर्शन नहीं है, अगर आप चाहें तो दो दिन में एक टॉपिक निमट सकता है। और मैं आपको स्टैटिक जीके बताऊँगा बच्चों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 या 11 टॉपिक, उनको कर लीजिएगा, बस उसी से आपका काम हो जाएगा। अगर बात करूँ साइंस में, तो साइंस में आप सबसे ज़्यादा फोकस रखें बच्चों बायो पर, सबसे ज़्यादा फोकस रखना आपको बायो पर, और दूसरे नंबर पर फिजिक्स पर। केमिस्ट्री आप यहाँ से स्किप कर देना। यस, इतना तो कर ही सकते हैं कम से कम, बायो पर फोकस करना है और फिजिक्स पर फोकस करना है, केमिस्ट्री यहाँ से स्किप कर देनी है। और अगर स्टैटिक जीके की बात करूँ तो आप लोग बच्चों टॉपिक कर लीजिएगा सिर्फ ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, 11-12 टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। अगर देखा जाए तो जैसे कि कंप्यूटर आप लोग कर लीजिएगा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी पूरा एक ही साथ टॉपिक मिलेगा आपका। ये नंबर दो पर आपका आएगा आविष्कार और आविष्कारक, आविष्कार और आविष्कारक, ये ध्यान रखना, ये अच्छा टॉपिक है, इन्हीं को कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ध्यान रखें। बाकी आपकी मर्जी है आप फॉलो उसको करें या ना करें, यहाँ पर डिपेंड करता है। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसके बाद में दोस्तों अगला जो है वो आपका पुरस्कार और सम्मान, पुरस्कार और सम्मान, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद में गाइस जो अगला टॉपिक रहेगा हमारे पास में स्टडी जीके का ही, वो रहेगा आपका पुस्तक और लेखक, पुस्तक और उनके लेखक। उससे अगला जो टॉपिक आपका रहने वाला है वो रहने वाला है बच्चों महत्वपूर्ण दशक, इम्पोर्टेंट डेट, यानी कि कोई भी दशक हो, कोई वर्ष हो, कोई दिवस हो, यानी कि जैसे कि इस बार हमारा G20 हो रहा है। अब आप कहेंगे ये तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आएंगे बच्चों, डेफिनेटली आएंगे, इंडिया में हो रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है, तो उसको पकड़ के रखना आपको। उसके बाद में गाइस WHO और इसी तरह के इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खेलकूद आपका जाएगा यहाँ पर, राष्ट्रीय घटनाएं, ये थोड़े से आपके बच्चों स्टैटिक जीके जो है करंट से कवर हो जाएंगे आपकी, ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स, और उसके बाद में आपका आ जाएगा मिसकेलेनियस विविध। यस, ये दो टॉपिक कर लीजिए आप लोग, यानी कि स्टडी जीके के ये टॉपिक और साइंस के ये दो टॉपिक, बस इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी हम लोग भी कोशिश करेंगे, हमने जो आपके लिए आपका कोर्स बनाया, वीडियो बनाया, जो आपने ग्रुप बनाया हमारे साथ में मिलकर के, उस ग्रुप में मैं आपको एक एक करके यहाँ पर टॉपिक का PDF भेजता रहूँगा, आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। यस गाइस, सो ये चीज़ें मैं आपके आज से ही भेजना शुरू कर दूँगा, इंग्लिश वाले में या रीजनिंग वाले बैच में, जिसमें भी आप कहेंगे उसमें भेज देंगे, और आपको ये डेली एक एक टॉपिक की वीडियो मिलती रहेंगी, वीडियो कह रहा हूँ सॉरी PDF, आप उनको कर लीजिएगा, और बस उसके बाद में आपके मार्क्स इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। ओके दोस्तों, सो कीजिए तैयारी अपनी, लगे अपनी तैयारियों में। ऑल द बेस्ट सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।